हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं छुई मुई पौधे के बारे में। छुई मुई पौधा देख सकते हैं आप, ये है हमारे सामने, ये परमानेंट पौधा है, देख सकते हैं आप। ये हमने लगा रखा है गमले में। ये आउटडोर पौधा है, घर के बाहर चलने वाला, धूप में इसको हमने लगा रखा है गमले में छत पे। इसकी अगर छू लिया जाए तो इस प्रकार से इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये देखिए आप, ये पत्तियां सारी इकट्ठी होगी, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप लटक गई पत्तियाँ इसकी। इसको छूने के बाद ये पत्तियाँ सारी इकट्ठी हो जाती है, ये देखिए अभी थोड़ी देर बाद फिर खड़ी हो जाएंगी। छुई पौधा है ये, ये हमेशा धूप में चलने वाला पौधा है। ये देखो आप, सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो गई है, हमने गमले में लगा रखा है। ये अगर एक पौधा लगा लिया जाए तो अपने आप ये 2 से 3 4 बनते जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है ये। इसकी डंडी भी काट के लगाया जाए तो चल जाता है, देख सकते हैं। यह है छुई मुई पौधा, इसमें किसी प्रकार के कोई खास फूल नहीं आते, बस इसी प्रकार से इसके पत्ते होते हैं, छोटे छोटे आते हैं फूल, कुछ लाल से। छुई मुई पौधा देखिए, हमने गमले में लगा रखा है। हम इसमें रोज़ पानी डालते हैं, हफ्ते में 3 दिन, सर्दियों में डालते हैं। हमने परसों पानी डाला था, आज फिर डाल रहे हैं पानी। ये देखिए आप, इसकी कटिंग हर महीने में चल जाती है, किसी भी महीने में आप लगाओ हमेशा चल जाता है ये, केवल सर्दी में नहीं चलता, बरसात गर्मी में चल जाता है दोस्तों। इसमें पानी डालने के बाद इस प्रकार से इसका पानी थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है। इसके पत्ते इमली के पत्ते की तरह होते हैं, इमली आंवला इसी प्रकार से इसके पत्ते होते हैं दोस्तों।